आई एम रजत कुमार शर्मा, आई एम स्टार्टिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय. टॉपिक इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, अर्थात पौधे किस तरह से वायुमंडल की नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं. क्योंकि आप जानते हैं कि पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन को सीधे नहीं ले सकते. वायुमंडल में तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कैसी है 78% के करीब होती है, लेकिन इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते प्लांट्स. इनमें कुछ पौधे जिन्हें लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं, दाल वाले पौधे के रूप में अरहर की दाल है, है? और पीज वगैरह है. इनकी रूट्स में एक विशेष जीवाणु होते हैं, जैसे राइजोबियम. सपोज ये रूट्स है, इसमें राइजोबियम, इसकी नोड्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, जिसे पौधे की रूट एब्जॉर्ब करके प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराती है. इस नाइट्रोजन से प्रोटीन का निर्माण पौधों में होता है, जिसको हम फूड के रूप में यूज कर सकते हैं. बच्चों, इस बैक्टीरिया ने, राइजोबियम बैक्टीरिया ने पौधे को क्या प्रदान कराया? नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर से, और बदले में क्या लिया रूट से? फूड. तो दोनों का काम चला. बैक्टीरिया ने रूट से भोजन लिया और बदले में पौधे को नाइट्रोजन प्रदान किया. इस टाइप के रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं. इसमें दोनों ही जीवों का फायदा होता है, समझे, प्लांट्स का भी और बैक्टीरिया का. बच्चों, कई बार नाइट्रोजन का फिक्सेशन लाइटनिंग की वजह से हो जाता है. लाइटनिंग का मतलब बादलों की गर्जन होती है, बिजली चमकती है, तो नाइट्रोजन जो है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, वो यूजेबल नाइट्रोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका उपयोग पौधे नाइट्रोजन के रूप में कर लेते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में कर लेते हैं. तो दिस इज द फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन, यानी वायुमंडल से नाइट्रोजन पौधे में कैसे आए, बैक्टीरिया के द्वारा या लाइटनिंग के द्वारा, इसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन साइकिल. क्या ये? नाइट्रोजन साइकिल, अर्थात नाइट्रोजन चक्र. बच्चों, ये क्या होता है कि पौधों से, सॉरी, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन किसके अंदर गई? पौधों में, और पौधे को फूड के रूप में किसने यूज किया? एनिमल्स ने. और एनिमल्स से जब वो डाइड हो जाते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया उनके डेड बॉडी को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, और नाइट्रोजन गैस पुनः वायुमंडल में चली जाती है. इसका मतलब टोटल नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहती है. बच्चों, टोटल नाइट्रोजन क्या हुआ? नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, नाइट्रोजन पौधों में चली गई, प्रोटीन का निर्माण हुआ, इस प्रोटीन को हमने खाया. जब कभी किसी जीव की डेथ हो जाती है, तो वो जो है कुछ बैक्टीरिया उन्हें नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पुनः मिल जाती है, समझे नहीं? तो इस तरह से नाइट्रोजन जो है क्या हुआ, एक तरह से चक्र चला. नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से प्लांट के अंदर गई, प्लांट से एनिमल्स में या ह्यूमन बीइंग्स में चली गई, और डेड होने के बाद पुनः नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चली गई. तो कांस्टेंट जो टोटल नाइट्रोजन है, वो जो है एक तरह से कांस्टेंट रहती है, निश्चित रहती है लगभग. तो ये नाइट्रोजन साइकिल है बच्चों. और दिस इज द कंप्लीट ऑफ माय वीडियो, एंड नेक्स्ट आई स्टार्ट नेक्स्ट टाइम.